2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सूबे में दूसरा ही इतिहास दोहराया जा सकता है। जी हां, 25 साल पहले जैसे मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ा था, ठीक वैसे ही मायावती और अखिलेश भी बीजेपी को शिकस्त देने को तैयार है। इस दोस्ती के लिए कल का दिन काफी अहम है, क्योंकि कल पहली बार अखिलेश यादव और मायावती साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत के दो दिग्गज नेता मायावती और अखिलेश यादव ने एक दूसरे का हाथ तो थाम लिया, लेकिन अब तक वो तस्वीर सामने नहीं आई जो ढाई दशक पहले बसपा और सपा की दोस्ती की बानगी थी। 25 साल पहले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और बसपा संस्थापक कांशीराम ने दोस्ती की नई इबारत लिख बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका था। दोस्ती की वो तस्वीर फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलने को तैयार है। पहली बार कल मायावती और अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस गठबंधन पर आधिकारिक मुहर लगाएंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो सीटों का भी ऐलान कर सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां बुआ भतीजे के साथ को मजबूत करेगी, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये झटके के संकेत हैं, क्योंकि इसमें कांग्रेस के शामिल ना होने की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि शायद अखिलेश और मायावती के गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कम ना आके। वहीं उनके बयान के बाद बसपा और सपा भी हाथ के साथ जाने के मूड में नजर नहीं आ रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएलडी के इस गठबंधन में शामिल होने के कयास जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि 80 लोकसभा सीटों में से सपा 35, बसपा 36 और आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वही 4 सीट रिजर्व रखी जाएगी। इसके अलावा गठबंधन अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। हालांकि अभी तक इस सीट बंटवारे पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन कल मायावती और अखिलेश इसका ऐलान कर सकते हैं। बुआ भतीजे के इस साथ से बीजेपी को जोरदार झटका लगना तय है। माना जा रहा है कि 25 साल पुराना इतिहास फिर दोहराया जा सकता है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती और अखिलेश के साथ से बीजेपी पर क्या असर होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।